हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मिडलव चैनल। मेरे इस मिडलव चैनल में सबको स्वागत है दोस्तों। और साथ साथ आज का जो वीडियो है वो है साइप्रोसिन सिरप के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, साइप्रोसिन सिरप के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों गौर कर लेते हैं, साइप्रोसिन सिरप मिल जाए तो 100 ml में आपको मिल जाएगी दोस्तों। ये 100 ml में जो साइप्रोसिन सिरप है उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों आज। सबसे पहले गौर कर लेते हैं, जिस साइप्रोसिन है वो है जुपिटर कंपनी का एक बेस्ट प्रोडक्ट है। और जुपिटर एक जाने माने कंपनी है और इसका प्रोडक्ट लगभग आपको इंडिया में हर मेडिकल शॉप में आसानी से दोस्तों मिल जाएगी। और आप लोग इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, इसका जो कंपोजिशन है उसके बारे में एक बार जानकारी दे देते हैं। जैसे कि इसमें आपको साइप्रो हेपाटिन मिलता है और साथ साथ मिलता है एवं ट्राइकोलिन सिट्रेट, ये दो ही सॉल्ट आपको मिलता है। उसके साथ भी आपको मिल जाता है सॉर्बिटल भी मिलता है दोस्तों। देख लीजिए इसमें, ये देख लीजिए सॉर्बिटल सोल्यूशन भी आपको मिलता है। चलो दोस्तों कॉल कर लेते हैं। इस 5 ml में जैसे देख लीजिए, इस 5 ml कंटेंट में आपको कौन सा मॉलिक्यूल कितना एमजी मिलता है। जैसे कि साइप्रोहेपेटाइड मिलता है आपको 2 mg और साथ साथ एवं ट्राइकोलिन सिट्रेट मिलता है 300 mg और सॉर्बिलिन भी आपको मिलता है इस साइप्रोसिन सिरप में। तो इस साइप्रोसिन सिरप को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए या बड़े के लिए भी इसको इस्तेमाल दोस्तों कर सकते हैं। आइए दोस्तों गौर कर लेते हैं, जो साइप्रोसिन सिरप है तो इसका इस्तेमाल किस किस क्षेत्र में हम लोग कर सकते हैं और कब इसको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है, भूख नहीं लगना, तो उस सब क्षेत्र में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपका लीवर डिसऑर्डर है या लीवर का कोई भी प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको भूख नहीं लगता या खाने का मन नहीं है, तो उस सब क्षेत्र में भी आप इस साइप्रोसिन सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बच्चे के लिए या बड़े के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों इसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं, जैसे कैसा लुक इसको मिलता है। ये जो साइप्रोसिन या जुपिटर कंपनी का जो साइप्रोसिन सिरप है वो 100 ml में एक प्लास्टिक के बॉटल में दोस्तों मिलता है। और इसकी MRP कितना है, कौन सा मॉलिक्यूल मिलता है, कितना, सारे के सारे जानकारी दोस्तों आप लोग को मिल जाएगी। और ये ढक्कन से आप दोस्तों नाप के अपने बच्चे को या खुद भी इसको खा सकते हैं। तो बच्चे या बड़े के लिए दोनों के लिए इसको इस्तेमाल दोस्तों कर सकते हैं। और दोस्तों इसके प्राइस एक बार गौर कर लेते हैं, दोस्तों एक बार गौर कर लीजिए, 55 rupees में आपको मिल जाएगी ये 100 ml के साइप्रोसिन सिरप। ज़्यादातर क्या होता है, आजकल आप ऑयली फूड ज़्यादा खा लेते हैं, उसके लिए क्या होता है आपको भूख नहीं लगता या लीवर में बहुत सारा प्रॉब्लम भी आ जाता है। तो उस सब क्षेत्र में आप उस लीवर की प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं और साथ साथ आपको भूख भी लगता है। उस सब देख लीजिए, इसमें सॉर्बिलिन है, तो सॉर्बिलिन का वर्क क्या होता है, आपको जो लीवर का जो प्रॉब्लम है तो उसको सही कर देता है और भूख की जो मात्रा है तो वो आप लोगों को दिन ब दिन बढ़ता जाता है। तो इस साइप्रोसिन सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस साइप्रोसिन सिरप को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर का सलाह लेना एकदम जरूरी है और डॉक्टर का प्रिस्क्राइब करने के बाद इसको आप लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको यूज़ कैसे करना है तो उसके बारे में भी एक बार दोस्तों गौर कर लेते हैं। जैसे कि इस सिरप को आप लोग ले सकते हैं या बिफोर फूड, मतलब ज़्यादातर ये खाने से पहले लेना अच्छा है, क्योंकि ये खाने से पहले लेने से क्या होता है, आपका जो भूख का जो चाहिदा है तो उसको ज़्यादा कर देता है और उस टाइम आप ज़्यादा भी खा सकते हैं या खाने का चाहिदा आपको दिन दिन बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए मैं रिफ़र करूँगी इस साइप्रोसिन से आपको बिफोर फूड, मतलब खाने से पहले आप ले सकते हैं। अगर बच्चे के लिए इसे अप्लाई कीजिएगा तो 5 ml करके दिन में 2 बार खाने से पहले, या आप बड़े के लिए 10 ml करके दिन में 2 टाइम आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 टाइम सुबह खाने से पहले और रात को भी खाने से पहले, तो इस सिरप को आप लोग इस्तेमाल दोस्तों कर सकते हैं। इस्तेमाल करने के बाद कोई भी साइड इफेक्ट आपको दिखाई देता है तो तुरंत इस सिरप को बंद कर दीजिए और डॉक्टर की सलाह लेने के बाद इसको इस्तेमाल फिर से कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सबको शुक्रिया। और साथ साथ मेरे इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।